गढ़वा जिले के राजकीय मध्य विद्यालय छप्परदागा में सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक फगुनी राम का विदाई धूमधाम से किया गया। विदाई समारोह में भावुक स्वर में श्री राम ने छात्रों एवं शिक्षकों के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि जो पढ़ता है वही आगे बढ़ता है, बच्चे मन लगाकर पढ़ें, नियमित रूप से विद्यालय आएं। कार्यक्रम की अध्यक्षता अनिल कुशवाहा, संचालन मनोज विश्वकर्मा एवं बलदेव मिश्रा ने की। मौके पर डंडा प्रखंड के DDO विजय तिवारी, शिक्षक विद्यार्थी कुमार, अनुजीत गुप्ता, विकास विद्यार्थी, बैठा सर, मुखिया पति यधु चौधरी, अमलेश सिंह, अरविंद दीदे, इम्तियाज अहमद, नूरुद्दीन अंसारी, सत्येंद्र कुमार, इमाम अंसारी, अख्तर अंसारी, असरफ अंसारी, हमेशा चौधरी समेत हजारों लोग। मैं चाहूंगा इस स्वागत समारोह का सर्वप्रथम ध्वन से स्वागत करेंगे, मेहमान को माल्यार्पण कर स्वागत करने का काम करेंगे, जोरदार तारी से उस मंच को सुशोभित करने का काम करेंगे हमारे प्यारे बच्चे नौनिहाल। मैं चाहूंगा सुशोभित हुआ जोरदार तारी से उनके द्वारा जो हस्तगत कराया जा रहा है वह महत्वपूर्ण सामग्री बहुत ही यह ऐतिहासिक पल है कि उनका उद्गार अभी प्रस्तुत हुआ है। सभी बच्चे इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने में अपना कर्तव्य होने से सुशोभित करेंगे। मंचार्थी उपस्थित कार्यक्रम को और ही सुंदर बनाने में, सहज बनाने में आपकी अहम भूमिका होगी। बच्चे खिलखिलाकर अपने अपने व्यवहार को और गुंजयमान करें। आपके समक्ष सतेंद्र सर इसी विद्यालय के सहायक शिक्षक हैं। मैं चाहूंगा असरफ सर से भी निवेदन होगा कि वे भी माल्यार्पण कर हमारे सर का स्वागत करने का काम करेंगे। अब इस विद्यालय के हमारे मनोज सर से निवेदन होगा तो अब माल्यार्पण कर स्वागत करने का काम करेंगे। हमारे विद्यालय पर अपने शिक्षक सर है अशरफ है, अख्तर जी, और प्यार
सारे बच्चों, मैं आपको भी जो बताता हूँ कि आप लोग नियमित रूप से विद्यालय आइए और मन लगा कर पढ़िए। जो पढ़ता है वही आगे बढ़ता है, आप मन लगा कर पढ़ेंगे तो आप जरूर आगे बढ़ेंगे। और मैं एक आदमी से भी कहता हूँ कि आप अपने बच्चों को नियमित रूप से विद्यालय भेजिए। विद्यालय जब तक आप नहीं भेजेंगे बच्चे आपके घर में जो है कुछ भी नहीं सीख पाए। हम समझते हैं कि आप लोग विद्यालय के शिक्षक और बच्चों को भी चाहे आप सब जो है अपने सब कोई सामंजस्य करना चाहिए शिक्षकों के साथ जो है काम करने का यही धन्यवाद देंगे कि आज बोल पाए, सफल हो गए। मैं वहाँ नहीं बोल पाया था, फिर से 100 लोग देकर के हम विदा करना चाहेंगे और गांव के बारे में चंद पंक्ति हम इस बात पर रखना चाहेंगे, इसके बाद प्रधान को हम देना चाहेंगे कि जब हम अनपढ़ थे गांव में रहते थे, जब हम अनपढ़ थे गांव में रहते थे, हम पढ़े लिखे हो गए तालाब में रहते थे। जब हम अनपढ़ थे गांव में रहते थे, हम पढ़े लिखे हो गए तनाव में रहते। हम अनपढ़ थे पहनाई से छप्परडागा टू डंडा टर्निंग पॉइंट। एवं देश विदेश की अनोखी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।